अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल हैरियत से होंगे। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो आज का जो टॉपिक है, डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, मैं आपको इस बारे में बताऊँगा कि काफ़ी मुझे कमेंट्स में दोस्तों ने, न्यू सब्सक्राइबर्स ने, व्यूअर्स ने पूछा हुआ है कि स्पेन एम्बेसी रब्ता नहीं करती, मीन्स दे डिड नॉट रिप्लाई यू। आपको कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए कि स्पेन एम्बेसी जो है वो आपसे रब्ता करे, आपको रिप्लाई दे। तो द ओनली थिंग, सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, स्पेन एम्बेसी जो आपका रिप्लाई करेगी, आपको आपके केस के ऊपर स्पेसिफिक डिटेल रिप्लाई करेगी, वो है ईमेल। ईमेल इज़ द ओनली वे। यहाँ पे मैंने कुछ तस्वीरें, कुछ पिक्चर्स भी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि आप खुद देख सकें कि मैंने 2 times फैमिली वीज़े के रिलेटेड एम्बेसी में एप्लीकेशन दी थी। दोनों दफ़ा जितनी मेरी उनसे बात हुई है वो ईमेल पे हुई है, वो फ़ोन पे, उनका जो फ़ोन थ्रू ही नहीं होता, मिलते ही नहीं हैं, अगर मिले भी उस पर वो इंफॉर्मेशन नहीं देते। बाय रजिस्टर्ड मेल, डाक के ज़रिए भी मैंने उन्हें एक लेटर लिखा था, क्योंकि मेरे 2 बच्चों का पहले केस जमा हुआ था और वाइफ का और छोटे बेटे का थोड़ा डिले हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम थी फैमिली में कि वाई वी आर नॉट गेटिंग टुगेदर। तो मैंने इनको स्पेन से रजिस्टर्ड मेल पे भी लेटर भेजा था, बट दे डिड नॉट रिप्लाई। TCS वालों को तो जब आप पासपोर्ट दे देते हैं उनका कसूर ही कौन नहीं है, क्योंकि एम्बेसी का उनके साथ डायरेक्टली केस की इंफॉर्मेशन शेयर करने का कोई रब्ता नहीं है, कोई उसका कोई प्रोसेस नहीं है। तो ये जो ईमेल मैं आपको अभी स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे एम्बेसी की इस एड्रेस से ईमेल आती है या आई थी, या आप इस ईमेल पे लिख सकते हैं, लेकिन आपको हफ्ते में 2-3 दफ़ा ईमेल रिपीट करना पड़ेगी। कोशिश करें ईमेल जो है शॉर्ट वर्ड्स में, मींस बहुत ज़्यादा लंबी डिटेल ना हो। कमिंग टू द डायरेक्ट पॉइंट, कि आपका सब्जेक्ट जो है वो इतना क्लियर हो, फॉर एग्जांपल आप उसमें अपना वीज़ा का रेफरेंस नंबर लिखते हैं, पासपोर्ट नंबर लिखते हैं और आगे छोटा सा लिख दें, फॉर एग्जांपल डिले इन प्रोसेस, या 7 months टिल वी आर वेटिंग, या सिंस 9 months वी हैव अप्लाइड फॉर वीज़ा, और नीचे 5-6 lines इंग्लिश में लिख दें। दे विल रिप्लाई यू इन स्पेनिश लैंग्वेज, और आप उसको गूगल ट्रांसलेट करके उसका सारा मतलब देख सकते हैं कि व्हाट दे आर गोइंग टू से। सो ईमेल इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद स्पेनिश एम्बेसी इस्लामाबाद। ओके, आपको वहाँ पे सीधी सी बात, आप हो तो जा नहीं सकते, अपॉइंटमेंट वो देंगे नहीं आपको, अपॉइंटमेंट नहीं देंगे तो आप जो इस्लामाबाद एम्बेसी तक रसाई है वो हासिल नहीं कर सकते। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको, आपने एम्बेसी के साथ कम्युनिकेट करना है, यूज़ दिस वे, दिस इज़ द बेस्ट वे दैट एम्बेसी विल रिप्लाई यू, और आपको अपने सवाल का जवाब मिल सकता है। तो दुनिया की कोई भी एम्बेसी है, ये तो स्पेन एम्बेसी के रिलेटेड था, दुनिया की कोई भी एम्बेसी है, आप कोशिश करें उनकी ईमेल डायरेक्टली, कुछ वेबसाइट्स पे ईमेल जो है वो सही वाली नहीं होती, जो एम्बेसी की डायरेक्ट वेबसाइट में कॉन्टेक्ट में आता है वो ईमेल एड्रेस निकाल के और थ्रू द पॉइंट डायरेक्टली सब्जेक्ट में वो मसला लिखें जो आपको है, और नीचे सब्जेक्ट के जो उसमें बॉडी है मैसेज, टेक्स्ट मैसेज की, उसके अंदर सारी डिटेल लिख दें 5-6-7 lines में, एक पैराग्राफ में। आई एम श्योर कि एम्बेसी उस चीज़ का आपको रिप्लाई करेगी, और ये एक बेस्ट वे है कम्युनिकेट करने का। सो कीप इन माइंड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप लाइकिंग माई वीडियोज़। अगर आप तक सही मैसेज पहुँच रहा है, आप समझ कर रहे हैं कि या दिस इज़ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन, शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।